जय हिंद दोस्तों। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट से कंफर्म हुआ है कि आज सुनवाई 100% होगी। और सुनवाई किन विषयों पर होगी, इक्वल एमएसपी के कौन कौन से विषय होंगे, कितना नंबर दिया गया है सुनवाई के लिए इक्वल एमएसपी का। और बता दें, ये पहली बार खबर आई है, क्योंकि हमें हमने देखा था अभी तक 6 बार लगातार हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन इस बार जो खबर आई है अच्छी खबर आई है। सबसे पहले तो बता दें, 3 मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर सुनवाई होगी। पहला तो एमएसपी इक्वल क्यों होनी चाहिए, ये जेसीओ जवानों से पूछा गया है, उसमें 2 जवाब उन्होंने दिए हैं, इसलिए एमएसपी इक्वल होना चाहिए। अफसर से पूछा कि क्यों अफसर को और एमएनएस को एमएसपी ज्यादा मिलनी चाहिए, तो अफसर ने जो जवाब फाइल किया था, 5th, 6th और 7th CPC के जो सर्कुलर हैं, बेसिक पे के आधार पर एमएसपी दी गई है 6,000, और जो कि बढ़ा के 15,500 कर दी गई थी अफसर की। एमएनएस की 10,800, जो कि बढ़ाकर 10,800 कर दी गई थी 7th CPC में। जेसीओ ओआर को 5,200 मिल रही है, जो कि उनकी मांग है कि हमारी बेसिक ज्यादा होनी चाहिए। इस आधार पर जो अफसर ने बताया है, कि अफसर के वकील ने, उन्होंने कहा है कि बेसिक के आधार पर एमएसपी ज्यादा मिलनी चाहिए। अब जो जेसीओ जवान है, उन्होंने जो दलील दी है, वो किस बात पर दलील दे रहे हैं, उनका कहना है कि एमएसपी रैंक के आधार पर अगर होती तो ब्रिगेडियर एंड एबो की रैंक ज्यादा है, उनको एमएसपी ज्यादा मिलती, और जवानों से जेसीओ की रैंक बड़ी है तो उनको भी एमएसपी जवानों से ज्यादा मिलती। इसका मतलब है एमएसपी ज्यादा किसी को नहीं मिलनी चाहिए, इक्वल मिलनी चाहिए, रैंक के आधार पर एमएसपी नहीं दी गई। ये एक जवानों का पक्ष है, दूसरा जवानों का पक्ष है जेसीओ जवानों का। एमएसपी बेस्ड ऑन 5th CPC रिस्क फैक्टर, 5th CPC में कहा था कि एमएसपी रिस्क फैक्टर के आधार पर होनी चाहिए। ऑफिसर की एमएसपी 15,500, जबकि लेस उनको रिस्क है, कम रिस्क है। एमएनएस की एमएसपी 10,800, जबकि जीरो रिस्क है। और जेसीओ जवानों को 5,200, जबकि हाई रिस्क है। तो जेसीओ जवानों का ये तर्क है। अब मैं इन तर्कों में जो अभी अभी जो खबर आई है वो बता देता हूं। इक्वल एमएसपी पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो जानकारी दी है कि आज सुनवाई फर्स्ट आवर में होगी, लंच से पहले होगी, यानी कि जो 6 बार से हमें तारीख पे तारीख मिल रही थी, फर्स्ट आवर में सुनवाई होगी। कोर्ट से बड़ी अच्छी खबर आई है, क्योंकि 6 बार हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, कंफर्म हो चुका है कि 100% आज सुनवाई होगी और लंच से पहले हो गई। सुनवाई में जो केस नंबर सीरियल नंबर दिया है वो 18 दिया है, और जो पिछली बार दिया गया था, जो सुनवाई जब नहीं हुई है, कभी 36वां नंबर था, कभी 40वां नंबर था, तो इस बार सुनवाई जरूर होगी। अगर क्योंकि लंच से पहले की संभावना है, क्योंकि 18 नंबर दिया है, तो लंच से पहले सुनवाई हो सकती है। अगर सुनवाई हुई तो पूरी उम्मीद है कि इसमें हमारे केस में जो केस है, इसमें जेसीओ ओआर के पक्ष में फैसला आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और हम आशा करते हैं कि हमारे हक में फैसला आए, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है जेसीओ ओआर का, एमएसपी का, ओआरओपी से भी बड़ा मुद्दा इसको मान रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।